Ankur Mittal, who retired from double trap category last year to focus on the trap, is targeting to be a part of the national team in the category. Mittal, who retired as the world champion and world number one in double trap, had to take the tough decision of switching into trap as double trap is not part of the Olympics. Right, because like from the 2016 only, like from the end of 2016, you can say like I've been winning like in Asian Championship. Then in 2017, I won a World Cup. Then I won to the World Championship, Shotgun World Championship, where I won silver. So I think I've been doing great from the past 2-3 years. So I will make sure like I will continue like that in the future. But yeah, these small awards, like this is not a small award for me. This is a big award. But this awards like keep us motivated for me like to do well in the future. डिफ़िकल्टीज तो हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 2020 का जो मेरा ख्वाब था उसको मैं थोड़ा कहीं ना कहीं नहीं देख पा रहा अभी, क्योंकि 2018 एंड तक मैं डबल ट्रैप चला रहा था. एंड इन अब 18 में ही लाइक आप इन सितंबर देयर वाज अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड इन नवंबर इट वाज अ नेशनल्स. सो नेशनल्स के बिहाफ पे पूरे साल की टीम बनती है, तो आपने वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप पूरे साल के लिए मतलब आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो. ऑल दो वो तो मेरा ऑब्वियसली था कि मेरे पास एक महीने का गैप था, तो आई डिड माय बेस्ट एंड आई शॉट 105 आउट ऑफ 125, बट इट वाज नॉट सो गुड. सो नाउ आई वेंट टू द आई चेंज माय कोच. माय नाउ कोच इज अहमद अल मक्तूम. ही इज़ अ गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, सो ही इज़ बीन ट्रेनिंग मी. सो देर वॉज अ वर्ल्ड कप इन अलेन दुबई लास्ट मंथ. सो आई वॉज अ एक्स्ट्रा शूटर देयर. सो I shot 117, so I think I'm pretty sure like I can do much better than that also. मैं जनवरी से बिल्कुल एक नए सिरे से लग गया था. मैंने कोच नया ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो मेरे माचेलो कोच हैं वो पहले इंडिया के नेशनल कोच हुआ करते थे, वो बेसिकली अब चाइना ने हायर कर लिया उनको, तो वो थोड़ा बिजी हैं अब चाइना के साथ, तो वो मुझे ट्रेनिंग नहीं दे सकते थे. तो फिर मैंने अहमद कोच से अपने बात करी, तो उन्होंने मुझे अपना टाइम दिया. तो हालांकि अप्रैल 1 में गया था, लाइक मैंने उनसे 7 दिन ट्रेनिंग ली पहले, और फिर मैंने वहाँ पे ICSF ने मुझे एज एक्स्ट्रा प्लेयर वहाँ पे वर्ल्ड कप चलाने दिया, तो मैंने वहाँ चलाया. तो आई थिंक द व्हेन आई शॉट 105 इन नेशनल्स एंड आई हैव शॉट 117, सो आई थिंक आई एम गोइंग फॉरवर्ड ओनली विद द ट्रेनिंग. ऑब्वियसली है मेरा, पर एक ये नहीं है तो होता कि आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं, आप ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, पर आपको एक ओलंपिक से पहले अपना बेस बनाना पड़ता है, जो मैंने डबल ट्रैप में बनाया था कि वो नेक्स्ट होता तो ऑब्वियसली था कि आई विल बी द मोस्ट फेवरेट प्लेयर फॉर द इंडिया इन लाइक इन ऑब्वियसली इन शूटिंग. बट नाउ लाइक आई एम डूइंग गुड, बट आई डिडंट विन नथिंग. लाइक इफ़ आई want to go to the Olympics, like there should be some medals before that, like there are nationals, then Asians, the World Cup and World Championships. Like it's not a shortcut thing, like you can go directly to the Olympics and win that medal. So I think I'm keeping little bit slow, but I'm looking for the more far than that. इस साल मैं वर्ल्ड कप्स में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा एज इन अ टीम, बिकॉज मैंने नेशनल्स में अच्छा नहीं करा था. बट ओपन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं अभी सेप्टेम्बर में, जुलाई में है कॉम्पिटिशन, इटली में है, हमारा ग्रीन कप होता है, बड़ा अच्छा लेवल का होता है, उसमें सारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप वाले शूटर्स आएंगे. उसके बाद एक देखूँगा मैं आगे, एक दो ओपन चैम्पियनशिप्स है उसमें शायद मैं पार्टिसिपेट करूँ मैं. तो पहले मैं वही सोच रहा हूँ कि एक अपना बेस स्कोर बनाया जाए कि हाँ मैं इस लेवल का शूटर हो चुका हूँ ट्रैप में. और जैसे आपने बताया, इमीडिएट टारगेट तो मेरा बड़ा अभी तो यही है कि नेशनल टीम में आऊँ मैं. तो अब जो अक्टूबर या नवंबर में हमारे नेशनल्स होंगे उस पे ही पूरा फोकस है कि मैंने वहाँ अच्छा करना है, क्योंकि वहाँ अच्छा नहीं हुआ तो फिर पूरा ईयर हमारे लिए ख़राब हो जाता है. तो वहाँ पर अच्छा करके टीम में आना है.
एक बार टीम में आने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप इज कि फॉर द वर्ल्ड कप कि वी हैव टू विन अ मेडल इन वर्ल्ड कप एशियन चैंपियनशिप लाइक फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन।